वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, वो भी बालों से रिलेटेड है। सबके बालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई भी जो शैम्पू है, हम तरह तरह के शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का झड़ना और इसके अलावा जो है बालों का में रूखापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस सब का हल ढूंढने के लिए मैंने भी मार्केट में सर्च किया और तरह तरह के शैम्पू के साथ एक्सपेरिमेंट करती रही, और फिर मुझे एक अच्छा कॉम्बो मिला जिसको मैंने तकरीबन 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा अपने बालों में डिफरेंस नज़र आया है। तो सोचो ये छोटा सा रिव्यू आपके साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है आप में से भी कोई यूज़ करे तो उसको भी ये बहुत अच्छा लगे। और चलिए देखते हैं ये कॉम्बो क्या है। उसमें सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पैराशूट का कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उससे उससे आपके बालों में जान आती है। अच्छी सी ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने के बाद मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो है वो ये सूट किया है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फिजी हो जाते थे और बहुत ज़्यादा झड़ते थे, जिसकी वजह से फिर मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरे बालों को आफ्टर वॉश फिजी ना करे। तो हर्बल एसेंस का ये जो कोकोनट मिल्क, जो रियल बोटानिकल शैम्पू है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यूज़ हुआ। इवन के सम टाइम मुझे कंडीशनर की भी यूज़ नहीं होती थी, मैं जस्ट ऑयलिंग पैराशूट ऑयल से करने के बाद या कोई भी कोकोनट ऑयल करने के बाद उससे उसके बाद हर्बल एसेंस यूज़ कर लेती थी। बट अगर आप इससे मज़ीद अच्छा अपना रिजल्ट चाहते हैं तो आप जो हैं वो हर्बल एसेंस का ही कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करें, और आपको ये इकोनॉमिकल है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपकी जो है वो बजट में है सारा। इसकी भी प्राइस राउंड अबाउट 300 या 400 है, अभी डिपेंड अपॉन स्टोर्स। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हर्बल एसेंस है, इसकी प्राइस जो है वो 1800 तक चली गई है अभी, और कंडीशनर की भी सेम है। अभी इसका न्यू वर्जन आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ हर्बल एसेंस का। सेम यही है, कोकोनट मिल्क है, सब कुछ वही है, लेकिन ये कि इसका पैकिंग चेंज हो चुकी है। तो आप ये ना समझिएगा कि हर्बल एसेंस की जो है वो पैकिंग की वजह से इस पे कुछ डिफरेंस आ गया है। पैकिंग बिल्कुल सिर्फ पैकिंग चेंज हुई है, बाकी इसमें सब कुछ इंग्रेडिएंट्स सेम।